जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अहमदाबाद पहुंचते से ही आज इंग्लैंड के खिलाफ आया रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का भयंकर तूफान, मैदान पर ठोक डाले इतने रन कि उड़ा दिए इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के परखच्चे। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज कैसे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए और कितने चौके और छक्के मैदान पर उन्होंने बरसाए अहमदाबाद के। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा खबर को जानने के लिए अंत तक। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी, कई सालों बाद इस खिलाड़ी की भारतीय टीम में हुई एंट्री। तो दोस्तों क्या ये बड़ी खुशखबरी है जिसे जानने के बाद आप भी झूम जाओगे, आप भी इस खबर को जरूर जानिएगा। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि IPL 2021 से पहले महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग टीम को लगा बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने लिया टीम के साथ ना जुड़ने का बड़ा फैसला। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आरंभ हो चुका है, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया था। तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीतकर इस 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला 24 फरवरी को खेला जाने वाला है और ये मुकाबला सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जाएगा अहमदाबाद में। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि इस टेस्ट मुकाबले का बेसब्री से हर किसी को इंतजार होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा जिसका प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है, जहां पर भारतीय टीम ने पहुंचते से ही अपना एक भी दिन ना गंवाते हुए जी जान की मेहनत से अपना अभ्यास शुरू कर दिया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि आज अभ्यास सत्र का दूसरा दिन था, जहां पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मैदान पर प्रैक्टिस मैच के दौरान इतनी तूफानी बल्लेबाजी की जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों हम आपको बताएं कि आज शुरुआत में पहले बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आए थे, लेकिन शुभमन गिल ज्यादा देर तक अपनी पारी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हालांकि वो अभी एक छोटी सी इंजरी से भी गुजर रहे थे जिसके चलते उन्होंने कुछ ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करी नहीं, लेकिन दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत और रोहित शर्मा मैदान पर आए, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करी। जी हां हम आपको बताएं कि ऋषभ पंत जहां एक छोर पर खड़े होकर चौके और छक्कों की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरे छोर पर रोहित शर्मा को तो हम सभी जानते हैं कि आखिरकार उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है और वो हर एक गेंद पर छक्के और चौके मारने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो जैसा कि आप सभी यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो, तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि आज ऋषभ पंत ने कुल मिलाकर 1 घंटे 15 मिनट कुछ का अभ्यास सत्र किया, जहां पर उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 88 रनों की पारी खेली और वहीं अपनी इस पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। तो वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। आज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से बता दिया कि आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ वो किस तरह का प्रदर्शन तीसरे टेस्ट मुकाबले में करते नजर आएंगे। जहां दोस्तों आज मोटेरा के स्टेडियम में रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 118 रन बनाए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के जड़े। तो ऐसे में दोस्तों आज इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करी और इनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है कि जैसा इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले और पहले टेस्ट मुकाबले में प्रदर्शन किया उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी ये दोनों ही बल्लेबाज अटैकिंग मूड में खेलेंगे। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा और ऋषभ पंत तीसरे टेस्ट मुकाबले में दमदार पारी खेल पाएंगे या फिर नहीं, और आप इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए आज 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आती है वो ये है, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, ये शानदार गेंदबाज कर सकता है टीम में वापसी। जी हां दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी मैच फिटनेस हासिल कर लिया और वो विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं हम आपको बताएं कि भुवी ने कर्नाटक के खिलाफ खेले जा रहे विजय हजारे के राउंड 1 में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में महज 6 रन ही दिए और उन्होंने इस दौरान 2 ओवर मेडन भी डाले। और हालांकि अच्छी गेंदबाजी के बावजूद उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लगा कि भारतीय टीम की तरफ से खेलने के लिए वो पूरी
तरीके से अब तैयार हैं। तो वही हम आपको बताएं कि भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जहां पर इसके बाद कप्तान विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के मुकाबले में भी भाग लेना है। तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार की मैदान पर एक बार फिर से वापसी हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है भुवनेश्वर कुमार को लेकर, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का प्रारंभ, लेकिन दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का जो दूसरा मुकाबला हुआ वहां पर भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए इंग्लैंड की टीम को कुल मिलाकर 317 रनों से हराया था, और ऐसे में अब ये टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर आकर अटक गई है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि इस टेस्ट सीरीज में 4 मुकाबले होंगे, और जहां पर अब ये जो 2 आखिरी टेस्ट मुकाबले होने वाले हैं वही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कौन सी टीम इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब होती है और साथ ही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह भी बना पाती है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला होने वाला है, जो कि डे नाइट टेस्ट मुकाबला होगा। हालांकि दोस्तों इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर ये प्रश्न था कि आखिरकार यह मुकाबला कब से होगा और ये कितने बजे से लाइव देखा जा सकेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर अब BCCI ने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है, और BCCI ने बताया है कि ये जो तीसरा टेस्ट मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाने वाला है वो 24 फरवरी से होता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, 24 फरवरी से ये मुकाबले करवाए जाएंगे, और साथ ही में अगर हम बात करें कि लाइव कब से आप देख सकोगे इस मुकाबले को, तो दोस्तों इसका लाइव प्रसारण सुबह 9:30 बजे से नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका लाइव प्रसारण 2:30 बजे से दोपहर में किया जाएगा और ये देर शाम तक चलेगा। और वही बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो दोस्तों आप सभी इस मुकाबले की लाइव टेलीकास्टिंग स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर देख सकोगे। और आखिरकार तीसरे टेस्ट मुकाबले में कौन सी भारत की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को नजर आ सकती है उसके बारे में, तो दोस्तों बात करें गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में तीसरे टेस्ट मुकाबले में अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव को एक बार फिर से टीम से बाहर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है IPL 2021 की नीलामी के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को आज कोहली युवाओं के रोल मॉडल है और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का ब्रांड चेहरा है और एक प्रखर व्यक्तित्व भी वो हासिल कर चुके हैं। तो वहीं पिता बनने के बाद उनके जीवन नजरिए में और गहराई आई है। और वहीं हम आपको बताएं कि इसी बीच विराट कोहली ने खुद को डिप्रेशन में लेकर एक बात करी, जहां पर विराट कोहली ने खुद को डिप्रेशन की स्टेज में पाया और यह भारत का इंग्लैंड दौरा था जब कोहली खुद को दुनिया के सबसे अकेले इंसान के रूप में देख रहे। उन्होंने एक काफी अच्छा ट्वीट किया, उसे जाकर आप भी जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।